और एक और बड़ी खबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जीवीके होल्डिंग्स इसके प्रमोटर्स समेत मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के निदेशक पर मामला दर्ज किया है। कथित तौर पर 805 करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। भवतोष सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लेकर। भवतोष, क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए, 27 जून को सीबीआई की मुंबई यूनिट ने एक एफआईआर फाइल किया और उसमें काफी ज्यादा संगीन आरोप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और उसकी जो पेरेंट कंपनी है जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके चेयरमैन जीवीके रेड्डी के ऊपर लगाया और ये कहा है कि करीब करीब 800 से 900 करोड़ रुपए का गबन के बारे में उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये जो घोटाला हुआ है ये 2012 से 18 के बीच में हुआ है। देखिए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। इसको भारत सरकार ने 2006 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बीच में इसको जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया था, लेकिन सीबीआई ने यह कहा है कि जो पैसा एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट या उसके आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल होना था वो सारा का सारा पैसा पर्सनल एक्सपेंडिचर जो कि जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो प्रमोटर डायरेक्टर थे उनके खर्चे के लिए यूज किया गया। इसमें बहुत ही संगीन आरोप ये लगाया कि 2017 और 18 के बीच में करीब करीब 200 एकड़ जमीन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जो जमीन थी उसको जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया गया उसको रीडेवलप करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए। जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फिर 8 शेल कंपनीज के साथ एक समझौता साइन करके करीब 300 करोड़ रुपए का गबन किया है ना। सीबीआई ये कह रही है कि इसमें जितने भी आरोपी हैं, जीवीके रेड्डी जो कि देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और एक बिलियनर है, उन सबको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे। सीबीआई इस मामले क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला है अभी काफी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है और इस पे प्रश्न चिन्ह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के ऊपर लगाया जा रहा है क्योंकि ये लोग डायरेक्टली इस पूरे के पूरे घोटाले में शामिल हैं। जी शुक्रिया भवतोष इस पूरी जानकारी के लिए।